हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको एमएलएम के घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं। एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि ये एक मार्केटिंग रणनीति लगती है जिसमें एक कंपनी के बिक्री प्रतिनिधि अपनी बिक्री पर और अपनी टीम द्वारा की गई बिक्री पर कमीशन अर्जित करने के लिए अन्य सेल्स पर्सन की भर्ती करते हैं। आप सभी ने एमवे, वेस्टीज कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में सुना होगा, जो कुछ भी नहीं है बल्कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखा जाए तो ये एक तरीके से वैध व्यापार का तरीका है और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। व्यापार मॉडल इतना आसान लगता है कि व्यापार में शामिल होने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना है और फिर व्यवसाय में और लोगों को जोड़ते रहना है। आपको अपने अंतर्गत आने वाले लोगों की पूरी बिक्री से कुछ प्रतिशत मिलता रहता है। एमवे एमएलएम में तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आदि जैसे विभिन्न रैंक हैं और आपकी रैंक जितनी अधिक होगी आप उतना ही अधिक कमाएंगे। मोटे तौर पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम आमतौर पर नेटवर्क बेस्ड मार्केटिंग स्कीम होती है जिसमें एक व्यक्ति को अपने अंतर्गत और लोगों को जोड़ना होता है। लोग पहले व्यवसाय में शामिल होने के लिए कुछ पैसे देते हैं और फिर वे अपने अंदर और लोगों को जोड़ते हैं। लगभग सभी योजनाओं में व्यक्ति को अपने तहत अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में यह स्कीम वर्षों से चल रही है। जिस देश में लोग लक्ष्मी चिटफंड में आए दिन फंसते हैं वहाँ ये तो फिर भी बढ़िया जाल है। भारत में ये दो तरीकों से होता है। कोई कंपनी आपको अपने से जोड़ेगी और फिर ये बोला जाएगा कि आप हमारे सामान खरीदिए और नहीं खरीदना चाहते हैं तो दूसरा ग्राहक पकड़ कर लाइए। दूसरे तरीके में एक चेन बनाई जाती है। आपको न सिर्फ जोड़ा जाएगा बल्कि आपको अपने नीचे और लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। आपके नीचे कोई और, उसके नीचे कोई और फिर ये श्रृंखला चलती रहती है। अब यहाँ से कमीशन मिलना शुरू होता है और हर स्तर पर यह कमीशन पास होता रहता है। ऐसे लोग जो एमएलएम को चलाते हैं वे सिर्फ मजबूर युवाओं को पकड़ते हैं, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें सपने बेचते हैं। ये मान मनोबल इतने तरीके से होता है कि आप स्कीम की समस्या नहीं समझ पाएंगे। पहले तो वो विनम्रता से संपर्क करेंगे। आप उन्हें हमेशा महंगे महंगे दिखने वाले कपड़ों के साथ अच्छे से सजे धजे देखते होंगे, उनके जूते चमकते दिखेंगे। ये मजबूर युवा के मन में एक यूटोपिया की छवि बनाता है और उन्हें लगता है कि उनके पास भी ये सब होना चाहिए। ऐसी योजनाओं या स्कीम में एक बार फंस जाने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत सामाजिक और आर्थिक रूप से होती है। ऐसे कई मामले हैं जहाँ लोग लाखों रुपए ऐसे स्कीम में फंसा देते हैं और फिर वो फायदे के लिए नहीं अपना पैसा निकालने के लिए मेहनत करते हैं। ऊपर से एक नैतिक अपराध का बोध भी होता है क्योंकि हर व्यक्ति जिसको आप इस स्कीम के तहत फंसाते हैं आप जानते हैं कि उसका पैसा भी दाव पर लग चुका है। लोगों ने 4 लाख रुपए फंसाकर लगभग एक दशक काम किया है तब ये पैसा निकला है। सामाजिक रूप से जिस अवहेलना का शिकार होना पड़ता है वह सबसे बुरा होता है। आप स्कीम के दलाल बनकर रहते हैं और आपकी यही पहचान हर जगह घूमती रहती है। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग के चलते आपको अपने दोस्तों रिश्तेदारों को प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, इसलिए आपको शर्म भी महसूस होती है। उससे भी दुखद ये है कि आपके फ़ोन को कोई आपका नंबर देखकर नहीं उठाता है। आप मित्र मंडली के किनारे हो जाते हैं क्योंकि उनको ये स्कीम नहीं चाहिए होती है और आपको ये स्कीम बेचना आपकी मजबूरी होती है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक निश्चित बिंदु के बाद अधिक लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं और नेटवर्क बड़ा होता है तो यहाँ से परेशानी शुरू होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के केंद्र में बिक्री है। आप अपना समय दोस्तों, परिवार और अजनबियों को समझाने में व्यतीत करेंगे कि उन्हें उत्पाद क्यों खरीदना चाहिए और आपकी इस लाइन में शामिल होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना अधिक आप औसत व्यक्ति को इसके बारे में समझा सकते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि वह इसमें शामिल हो। लेकिन इसके मूल में ये तथ्य है कि नेटवर्क विपणक
आपकी परवाह नहीं करते हैं, वे सिर्फ आपकी संबंधों की परवाह करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि 3% से कम नेटवर्क विपणक वास्तव में लाभ कमाते हैं, बाकी सभी घाटे में रहते हैं।